मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा डीएमसीएच के कैदी वार्ड से फरार हुए आरोपित मामले में नगर एसपी योगेंद्र कुमार ने 4 पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसमें हवलदार रामशंकर सिंह, सिपाही वासुदेव पंडित, संतोष कुमार और सुनील राम शामिल हैं। साथ ही ओपी प्रभारी अमित कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया है। नगर एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि ओपी प्रभारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सदर अंचल इंस्पेक्टर सुबोध चौधरी की रिपोर्ट पर की गई है। दरभंगा डीएमसीएच में मधुबनी से रेफर एक युवती को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। कलुआही थाना क्षेत्र के कमरौली निवासी निरंजन झा की पुत्री अनु कुमारी अपने पिता की आदतों से तंग आकर जहर खा लिया। वह पिता को नशापान करने से मना करती थी लेकिन वे नशे में हंगामा करते थे। इससे तंग आकर अनु ने आत्महत्या करने की कोशिश की। डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। सरकार ने डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली शुरू कर दी है। इसी के तहत न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्नेह कुमार झा ने डीएमसीएच के प्रचार को योगदान दिया। डीएमसीएच के इतिहास में पहली बार ऐसा पद पर डॉक्टर की बहाली की गई है। इस विशेषज्ञ डॉक्टर की बहाली से न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी रोगी को अब पटना रेफर नहीं होना पड़ेगा। दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य ने ओपीडी का जायजा लिया जिसमें आरएनपीसीपी और मनोरोग विभाग में कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पाए गए। इस पर प्रचार ने इन दोनों विभाग का फोटो और अनुपस्थित डॉक्टर की सूची भेज दी है। इसके पूर्व प्रचार सुबह ओपीडी का जायजा लेने पहुंचे थे जहां इन दोनों विभाग में कर्मी तो थे लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं थे। प्रचार ने फटाफट इन दोनों विभाग के चैम्बरों का फोटो लिया। इसके बाद प्रचार सर्जरी विभाग पहुंचे। एक ही कमरे में वरीय डॉक्टर और पीजी डॉक्टर को देख वरीय डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि जूनियर डॉक्टरों को दूसरे कमरे में जगह दे। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव को लेकर 19 नवंबर को इवेंट कंपनी की निविदा पूरी कर ली गई। पटना में बॉबी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका ठेका मिला है। निविदा में कुल 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। सबसे कम रेट कोटा करने के कारण बॉबी इंटरटेनमेंट को मिथिला लोक उत्सव का ठेका दिया गया। मिथिला लोक उत्सव के नोडल पदाधिकारी उमाकांत पांडे ने बताया कि उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने अपने सभा कक्ष में आज शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिले के डीईओ, डीपीओ सहित सभी स्कूल के प्राचार्य मौजूद थे जिनमें सभी स्कूल के रख रखाव एवं ईमानदारी से संचालन पर चर्चा की। गौरतलब है कि दरभंगा के कई स्कूलों की हालत जर्जर होती जा रही है जिसके रख रखाव एवं संचालन में कई समस्याएं आ रही हैं। इसे लेकर कई प्रधानाचार्य ने अपनी समस्या से भी डीएम को अवगत कराया। इस मौके पर मौजूद डीईओ को डीएम ने स्कूल का निरीक्षण कर योजना तैयार करने का निर्देश दिया। एक सर बहुत दिन से मामला चल रहा चला रहा था तारा लाही में कहा स्कूल अपग्रेडेड था। वो हनुमान नगर ब्लॉक मानकर उसका काम होता था।
और उसका 80% भाग सर बहादुरपुर ब्लॉक में था। तो अभी जब आया तो उसमें हम लोग 80% भाग उसका था, तो उसको हम लोग बहादुरपुर का मान लिए। और एक भवन हनुमान नगर में गुरजारी पंचायत में ऑलरेडी बना हुआ था, चार पाँच अभी बात फंसा हुआ था, उसको हम लोग गुरजारी को मान लिए। वहाँ है भी हनुमान नगर ब्लॉक में उसका नाम दे, पाँच छः साल पुराना प्रॉब्लम जो उसका हम लोग 108 नंबर लक्ष्य का 100% हम लोग अचीव कर। संरचना के दृष्टिकोण से क्या जरूरत है? जहां भवन था वहां का हमको नहीं आया वहां से सूचना। दरभंगा में बढ़ रहे अपराधियों के मनोबल एवं अवैध हथियारों को लेकर दरभंगा पुलिस काफी चौकस हो गई है। दरभंगा में लगातार वाहन चेकिंग पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन आज सिटी एसपी योगेंद्र कुमार खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने कई मोटरसाइकिल की जांच प्रारंभ की। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बैरियर लगाकर मोटरसाइकिल डिक्की एवं कार की डिक्की की जांच कर रही है, ताकि अवैध हथियारों को दरभंगा में सप्लाई रोका जा सके और अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। अभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि सुबह ऑफिस में बैठने से पहले वो एक घंटा अपने वाहन चेकिंग पॉइंट का इंस्पेक्शन करेंगे। इवन SDPO सर्किल इंस्पेक्टर को भी हमने ये निर्देश दिया, और हम भी अब ऑफिस में बैठने से पहले एक घंटा शहर के जो मेन पॉइंट है वहाँ पर वाहन चेकिंग हम लोग करवाएंगे। अभी मैंने हाजमा चौक लहरिया सराय पर जो रजिस्टर देखा है, टोटल 11,000 रुपये का चालान अभी तक काटा जा चुका है। इसके अलावा सभी जो वाहन चेकिंग पदाधिकारी है उनको हमने जो नया कानून आया है उसकी कॉपी भी दी है, ताकि अगर कोई राहगीर को यदि सेक्शन के बारे में नहीं मालूम है तो हम लोग उसको अवेयरनेस भी उसको क्रिएट कर सकें। इसके अलावा हम लोग जागरूकता भी चला रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम हो कि नए वाले कानून में कितना ज़्यादा आर्थिक जुर्माना है, ताकि लोग अवेयर हों और इस चीज़ का अनुपालन करें। तो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यूसली करके रखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत एक पॉइंट है उसको जाके चेक करेंगे। दरभंगा में यदा कदा अपराध की घटनाएं और गोली मार देने की घटना से पुलिस काफी चौकस हो गई है। कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में घुड़सवार अपराधियों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कुशेश्वर स्थान के मुखिया सत्तो यादव की घुड़सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे दरभंगा DMCH पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस संबंध में SSP ने कहा कि मामले की छानबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश संबंधित थाना प्रभारी को दे दिया गया है। अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया ऐसा लग रहा है। 22 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है उनके परिजनों ने। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराने की पहले प्राथमिकता है, और इसके बाद थाना अध्यक्ष और SDPO को निर्देश दिया गया है कि तुरंत इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करें। परिवार के द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है, किस बात को लेकर ये लड़ाई चल रही है? परिवार ने तो 22 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वो आशंका है कि पुरानी दुश्मनी के चलते इस घटना को अंजाम दिया है, बाकी अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दरभंगा SSP बाबूराम अपनी लंबी छुट्टी के बाद कार्यालय वापस आ गए हैं। गौरतलब है कि SSP विशेष प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद गए थे। इस बीच दरभंगा पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए सोनपुर मेला में सम्मानित किया गया था, जिसमें दरभंगा के SSP, CTSP, DSP सहित कई पुलिस कर्मी को सम्मानित करते हुए DGP के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था। इस संबंध में SSP बाबूराम प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि फिलहाल के दिनों में कई अपराधियों की गिरफ्तारी वर्णों के अनुसंधान से जिले के पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा है। पहले MBOP के पास में एक पेट्रोल पंप कर्मी से कुछ पैसा लूट लिया था कुछ बदमाशों ने। उसमें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर घटना को उद्भेदन किया था, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी, पूरा पैसा बरामद कर लिया गया था, और 15 दिन के अंदर उस मामले में चार्जशीट न्यायालय में समर्पित कर दी हुई है, और इसका स्पीडी ट्रायल शुरू करने के लिए हम लोगों ने आवेदन भी दे दिया है। इसी केस के अच्छे डिटेक्शन के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने के लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। माधेश्वर परिसर में चल रहे मां श्यामा नामधुन नवा यज्ञ के छठे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ मां श्यामा के दर्शन को उमड़ पड़ी। लाखों लोग जय श्यामा माए नामधुन में सहभागी बने। जैसे जैसे दिन बीतते रहा श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रतिशत बढ़ोतरी होती जा रही थी।
मंदिर में पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में न्यास समिति के निजी सुरक्षा गार्डों व पुलिस बल के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक भी जुटे हुए हैं। एक बार परिसर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु श्यामा नाम धुन में ऐसे रम रहे हैं कि उन्हें वापस जाने की सूद भी नहीं रहती। अब पंडाल भी भक्तों के सामने छोटा पड़ने लगा है। दरभंगा मब्बी ओपी स्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रैगिंग करने और छेड़खानी के विरोध में कॉलेज में तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। सीनियर छात्रों के खिलाफ पीड़ित छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। पीड़ित छात्रा ने बताया कि रविवार की शाम 3 लड़कियां हॉस्टल से बाहर जा रही थी, उसी दौरान सीनियर छात्र दूसरे सेमेस्टर का अभिषेक सागर और चौथे सेमेस्टर का छात्र आशीष रंजन ने हाथ पकड़कर प्रणाम करने को कहा, इसके बाद गला लगा लिया। विरोध करने पर दोनों सीनियर छात्रों ने भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे, कहा कि जो कहते हैं वह करो, नहीं तो मार कर मुंह फुला देंगे। छात्रों का कहना था कि ऐसी घटना लगातार घट रही है, लेकिन ऐसे छात्रों के सामने कॉलेज प्रशासन नतमस्तक बनी हुई है। सर, दो सीनियर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, एक फोर्थ ईयर के हैं और एक सेकेंड ईयर के हैं। हम लोग शाम में 5:10 में जब कैंपस में आए तो वो लोग रोक लिए और बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी तरीके से बोले कि प्रणाम करो नहीं तो थप्पड़ मार, बहुत ज़्यादा परेशान किए। हम लोग हॉस्टल जाना चाह रहे थे सर, हॉस्टल नहीं जाने दे रहे थे। हम लोग जब भी बोल रहे थे कि सर जाना है जाने दीजिए, हम लोग तुमको 1 बजे हॉस्टल में एंट्री करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो। सर हैंडशेक करवाए, बोले प्रणाम करो, अब तुमको गले मिल के जाना है, लेकिन एट द टाइम थप्पड़ मारेंगे। बोले कि एट द टाइम सर गार्ड अंकल हमारे आ गए तो हम लोग चले गए। सर उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए और रेस्टिकेट हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वो गलती को एक्सेप्ट करे। और सर हम लोग अभी फर्स्ट ईयर के हैं, हम लोग का किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी सर अगर हम लोग के साथ बाहर वो कुछ करते हैं तो बाहर में कौन रहेगा सर, तो उन्हीं से बस फर्स्ट हम लोग सबका सारी क्लासमेट का उन्हीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो सर हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो बाहर। है एक लड़का पर कुछ बच्चों द्वारा लड़कियों द्वारा कहा गया जिसके साथ वो मिसबिहेव किया था, उसकी हम लोगों ने जांच भी की है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं किया है, जांच में वो लड़का डिनाई करता है। 3-4 लड़का का नाम आ रहा है। हाँ, तो फिर भी हम लोग उसके गार्जियन को बुलाए हैं और उसको तब तक के लिए, जब तुम गार्जियन को लेकर के मेरे यहाँ नहीं आता है तब तक के लिए हमने जो है उसको कॉलेज आने से सस्पेंड कर दिया, जो कॉलेज आपने जाना। दरभंगा में विभिन्न थानों के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए स्वयं सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सड़क पर उतर गए और थानों के द्वारा की जा रही वाहन जांच की डायरी देखी एवं स्वयं भी वाहन जांच करने में लगे, जिसमें कई वाहनों को पकड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के वाहन चलाने वाले चालकों को भी पकड़ा गया है, जिसकी गाड़ियों को थाना भेजा गया। क्राइम प्रिवेंशन के लिए हमने शहर के थानों में वाहन चेकिंग के पॉइंट बनाए हुए हैं। मैंने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि सुबह ऑफिस में बैठने से पहले 1 घंटा अपना वाहन चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग करवाएंगे। एक रजिस्टर भी हमने खोल के दिया है जिससे कि हमें आंकड़ा मिल सके कि किस अधिनियम में कितना चालान काटा जा रहा है। इवन हमने भी ये निर्णय लिया है कि हम लोग भी ऑफिस में बैठने से पहले वरीय अधिकारी एक एक बार अपना इंस्पेक्शन चेक करेंगे। हमने सभी हरमा चौक पर चेक किया था तो अभी तक 1 घंटे में ही 1,000 11,000 रुपये का चालान उसका हो चुका है। क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से शहर में
वाहन चेकिंग और इस प्रकार की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो इसको हम लोग लगातार कराते रहेंगे, उसको और हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो अधिकारी उनको जो नया एक्ट लागू हुआ है उसकी कॉपी भी दी है और उनकी हमने क्लास भी ली है कि कौन सी धाराओं में अब किस प्रकार का चालन है, और जो हम लोग जिन लोग को रोकते हैं जिनका चालान कर रहे हैं उनको साथ साथ हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, उनको एप्ली कॉपी भी हम पढ़वाते हैं कि देखिए फर्स्ट ऑफेंस को इतना चालान है, सेकंड ऑफेंस को इतना चालान है। तो जागरूकता के साथ साथ हम लोग रोड से होकर के उस कानून का अनुपालन भी करवा रहे हैं और इसका एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट होगा, इससे अपराध भी कम होगा और जो रोड पर दुर्घटनाएँ हो रही हैं बिना हेलमेट के होते उस पर भी उम्मीदें भी बनी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट के विभिन्न श्रेणी के शिक्षक प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होना है। मतगणना 26 नवंबर को होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर से चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र जिलावार बनाए गए हैं। दरभंगा जिला में 7, मधुबनी जिला में 6, समस्तीपुर जिला में 5 एवं बेगूसराय जिला में 2 कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया गया है। देखिए ये जो सीनेट का चुनाव है 3 साल पर होते हैं, 3 साल का टर्म होता है, उसमें 3 कैटेगरी बटा हुआ है। ए में पीजी के ऑल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, 3 सीट है, 2 पर निर्विरोध हो चुका है और 1 जनरल सीट पर है, 3 उम्मीदवार हैं। वैसे ही बी में कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का है, उसमें 9 सीट है और इसमें सी कैटेगरी में ये आपको 3 हैं, तो 9 × 3 = 15 टोटल सीट है, 21 उम्मीदवार हैं और चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में से आपको जनरल सीट और एससी एसटी वाला सीट निर्विरोध हो गया है, सिर्फ ओबीसी सीट पर मैं चुनाव है जिसमें 5 कैंडिडेट हैं और एफिलिएटेड कॉलेज के जनरल सीट पर मैं 9 उम्मीदवार है एक में और एक सीट पर मैं 3 उम्मीदवार है। इस तरह से कुल संख्या 21 है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया पूरी। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारे सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट। आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें पुष्पांजलि एलजी शॉप बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा। अलंकार जेवर बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। होलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार, सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें अलंकार जेवर बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स, आभूषणों में एक नई पहचान। जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज, यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें द ग्रू सेठ ज्वेलर, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीबीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा।